हेलो माय स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउंस की कलेक्टिव नाउंस में मैंने बताया है पहले भी वीडियो में बना चुकी हूँ बट थोड़ा समरी दे देती हूँ कि नाउंस क्या होता है नाउन होता है किसी भी चीज़ का नाम चाहे वो पर्सन हो प्लेस हो या कोई जगह हो तो आज हम देखने वाले हैं पर्सनस का अगर हम झुंड है एक जगह पर तो उसको हम क्या कहते हैं एन आर्मी ऑफ़ सोल्जर्स अगर सोल्जर्स हैं बहुत सारे तो उसको हम क्या कहेंगे एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स उसके बाद अगर एन आर्मी ऑफ म्यूजिशियंस अगर म्यूजिशियस हैं एक जगह पे बहुत सारे तो उसको हम एन आर्मी ऑफ़ म्यूजिशियंस कहते हैं एन ऑडियंस ऑफ लिसनर तो ऑडियंस क्या है कलेक्टिव नाउन अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस म्यूजिशंस के झुंड को हम बैंड भी कहते हैं आर्मी भी कहते हैं अ बेवी ऑफ लेडीज़ अगर एक जगह पे लेडीज़ बहुत सारी हैं तो उसको कहते हैं बेवी ऑफ लेडीज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ बॉडी ऑफ मैन वंच ऑफ क्रॉक्स अ कारवा ऑफ जिप्सीज अ चेयर ऑफ सिंगर्स यानी कि अगर सिंगर्स बहुत सारे एक जगह पे घटे तो उसको हम क्या कहेंगे चेयर ऑफ सिंगर्स अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ये तो बहुत सबको ही आता होगा अ कंपनी ऑफ एक्टर्स तो कंपनी क्या हुई कलेक्टिव नाउन अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स यानी कि जो पूजा करने वाले लोग हैं उनका जो उनको हम क्या कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है तो ये सारे हमारे वोकेबलरीरी भी इम्प्रूव करते हैं अ क्री ऑफ सेलर्स अ क्राउड ऑफ पीपल अ डायनेस्टी ऑफ किंग्स अ गैंग ऑफ प्रिजनर यानी कि जो जेल में रहते हैं ना उनको गैंग ऑफ प्रिज़नर्स प्रेजनर्स ग्रुप ऑफ डांसर्स ये भी बहुत कॉमन अ लाइन ऑफ किंग्स किंग्स को हम डायनेस्टी भी कहते हैं उनके कलेक्टिव अगर हो जाते हैं या फिर लाइन कहते हैं अ मॉव ऑफ रॉइटर्स ओके अ पैक ऑफ थीव्स चोरी करने वालों के भी पैक ऑफ थीव्स होते हैं अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स ये भी बहुत कॉमन है तो बहुत ज़्यादा बोलने में आता है पेट्रोल ऑफ पुलिस मैन अगर पुलिस मैन बहुत सारे तो अ पेट्रोल ऑफ पुलिस मैन अ टीम ऑफ प्लेयर्स ये तो सभी को ज़्यादातर मालूम होगा अ ट्राइब ऑफ नेटिव जो उस जगह पे रहने वाले लोग हैं उनको क्या कहते हैं अ ट्राइब ऑफ नेटिव अ ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट अ ट्रूप ऑफ स्काउट्स फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें